press the bell icon on the YouTube app and never. हाँ तो आप सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी जी के पास बीवी नहीं बीवियां हैं, बच्चे नहीं बच्चियां हैं, बड़ा बड़ा भरा पूरा खानदान है। तो असदुद्दीन अवैसी की सभी बेटियों का अगर तलाक हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी 40 साल से बाप दादा के जमाने से मुस्लिम अपीजमेंट तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने घर को बहुत फला फुला चुके हैं, उनकी बेटियों को पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसी बेटियां जो गरीब बाप की बेटियां हैं उनको तो जरूरत है। मैंने तो अपना चला लिया क्योंकि मैं शिक्षित थी, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा दिया, मैं अपने और अपने बच्चे को पाल पाई। लेकिन वो बेटियां क्या जो बिल्कुल शिक्षित नहीं है, क्योंकि यही इस्लाम वाले यही मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। यही असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि कोई 21 साल जो है वो ड्यूरेशन ना किया जाए निकाह का, क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से जैसे ही पीरियड्स होता है वैसे ही निकाह कर देना चाहिए। तो एक तरफ आप ना शिक्षित होने देते हैं बेटियों को, मुसलमान बेटियों को, दूसरी तरफ आप बेटियों का सलवार झांकते हैं कि भाई उनको उनको पीरियड्स होगा तो उनका निकाह पढ़ा जाएगा, तीसरी तरफ आप उनका इस्लामिक तरीके। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे तो बहादुर सशक्त और बेबाक महिला को एक तरफ आप देखेंगे, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू कासमी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बेटियां हर कोई तो असदुद्दीन अवैसी की बेटियों के बराबर अमीर नहीं होती है ना, हर कोई तो फरहाद हकीम की बेटियों के जैसी अमीर नहीं होती है ना। फरहाद हकीम जिसने ये कहा कि हिंदू बदनसीब हैं क्योंकि वो हिंदू पैदा हुए और मुस्लिम खुशनसीब हैं क्योंकि वो मुसलमान पैदा हुए, और कन्वर्शन को प्रोवोकेशन उन्होंने दिया, उनकी भी बड़ी बेटी का तलाक हुआ है, उनकी भी बड़ी बेटी का तलाक हुआ है। लेकिन और नाजिया इलाही खान भी विधवा हुई है, उनका तलाक हुआ है, मैं विधवा हुई, मैं 4 महीना 10 दिन इद्दत पे बैठी, मुझे इद्दत पे 100 रुपए मिलता था और मुझे कोई एलिमनी नहीं मिला, यहां तक कि मेरा मेहर का पैसा 1101 रुपए था वो भी मुझे नहीं मिला, और मैं मांगने भी नहीं गई, वो लोग देने भी नहीं आए। लेकिन जो गरीब माँ बाप की बेटियां होती हैं उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो तो खत्म हो जाती है। फरहाद हकीम की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, आप फरहाद हकीम की बेटी को जो तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं और हमेशा कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान पुकारते हैं, आप उनकी बड़ी बेटी छोटी बेटी मंजली बेटी 3 बेटियां हैं उनकी, उनके इंस्टाग्राम को चेक करेंगी आरजू जी, वो तो 2-2 लाख के शैंपियन के बोतल को खोलती हैं और फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डालती हैं, रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, पब डिस्को जाती हैं, नाचती हैं गाती हैं, अपनी जिंदगी को जीती हैं। लेकिन ये सारी अय्याशियां अमीर मुसलमानों की बेटियों के लिए शायद है, गरीब मुसलमान की बेटियां अगर ज्यादा बोल भी देती हैं तो बड़े बड़े नेशनल न्यूज पर हमें कह दिया जाता है शायद इसीलिए तलाक हुआ होगा, शायद इसीलिए विधवा हो गई है, बोलती कितना ज्यादा है, ये इस्लामिक प्रीचर बोलते हैं। और अभी 15 मिनट पहले मुझे बोले हैं, 15 मिनट पहले मुझे बोले, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आता ना कि कोई बढ़ के बात करे या कुछ कहे अपने हक के लिए या अपने राइट के लिए आवाज उठाए, वो तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। हाँ तो आप सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी जी के पास बीवी नहीं बीवियां हैं, बच्चे नहीं बच्चियां हैं, बड़ा बड़ा भरा पूरा खानदान है। तो असदुद्दीन अवैसी की सभी बेटियों का अगर तलाक हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी 40 साल से बाप दादा के जमाने से मुस्लिम अपीजमेंट तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने घर को बहुत फला फुला चुके हैं, उनकी बेटियों को पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसी बेटियां जो गरीब बाप की बेटियां हैं उनको तो जरूरत है। मैंने तो अपना चला लिया क्योंकि मैं शिक्षित थी, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा दिया, मैं अपने और अपने बच्चे को पाल पाई। लेकिन वो बेटियां क्या जो बिल्कुल शिक्षित नहीं है, क्योंकि यही इस्लाम वाले यही मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। यही असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि कोई 21 साल जो है वो ड्यूरेशन ना किया जाए निकाह का, क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से जैसे ही पीरियड्स होता है वैसे ही निकाह कर देना चाहिए। तो एक तरफ आप
ना शिक्षित होने देते हैं बेटियों को, मुसलमान बेटियों को। दूसरी तरफ आप बेटियों का सलवार झांकते हैं कि भाई उनको उनको पीरियड्स होगा तो उनका निकाह पढ़ा जाएगा। तीसरी तरफ आप उनका इस्लामिक तरीके से कम एज में शादी कर देते हैं। चौथी तरफ आप कहते हैं कि इस्लामिक हक है मर्द मर्द का और तलाक हो जाता है, और तलाक के बाद फिर आप उसको मेहर मेहर में 4 महीना 10 दिन 100 रुपए देते हैं। और एजुकेशन तो खैर होनी चाहिए, जितनी भी मुस्लिम फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं या जो भी, उनको पढ़ाई तो जरूर करनी चाहिए। इसलिए कि ये तो कोई गारंटी नहीं है ना कि शादी चलेगी नहीं चलेगी, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कभी ऐसा पाकिस्तान में तो अब ये हुआ है कि दोनों मिलके काम करते हैं तभी घर चलता है, एक के काम करने से तो घर चलता भी नहीं आजकल। तो इसलिए भी उनको यकीनन तालीम की तरफ तो जाना चाहिए, एजुकेशन तो लेनी चाहिए। नहीं, इसके लिए आपको भारत के मुसलमान मर्दों के की क्रोनोलॉजी और उनके परिभाषा को समझना पड़ेगा। उनके हिसाब से औरतें हिजाब पहने और घर में रहें, लेकिन जब राहुल गांधी जी कहेंगे खटाखट 1 लाख रुपए लेने के लिए, तो वो हिजाब के साथ अपनी अपनी बहन बेटियों को, माँ को, बहुओं को वो लाइन पे लगवा देते हैं, लंबी लंबी लाइन सरे बाजार लगवा देते हैं, क्योंकि तब उनको पैसा मिल रहा होता है। देखिए, मुसलमान पुरुष हर रोज टीवी चैनल पर और अपने अपने इकोसिस्टम के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को गालियां परोसता रहता है, और इस बात को हम मानते भी हैं कि पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं कर सकता और भारत का मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये दोनों चीजें बिल्कुल तय है और लिखी भी है, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी, उसी मोदी जी का आवाज योजना लेंगे, स्वच्छ भारत अभियान योजना लेंगे, सब्सिडी लेंगे, सारी योजनाओं का मजा लेंगे, और फिर उसी भारत के प्रधानमंत्री को गालियां भी परोसेंगे, और हम कहेंगे कि तलाक जो है वो तो हमारा इस्लामिक हक है, लेकिन मेहर का पैसा हम नहीं देंगे, मेंटेनेंस का पैसा हम नहीं देंगे, पीरियड्स के बाद लड़की का शादी जो है वो तो इस्लाम में लिखा हुआ है लेकिन हम उसको पढ़ने नहीं देंगे, तो इकरा को नहीं मानेंगे। कुरान की कई आयतें, ये तो यहाँ पर भी इस तरह के केसेस तो यहाँ भी बहुत हो जाते हैं जिसमें हक में हैर या इस तरह की मेंटेनेंस वगैरह के जो पैसे उसके ऊपर जो है वो सालों साल केस चलते रहते हैं। उससे कम पैसा अगर दे दें तो शायद इनकी जान छूट जाए, लेकिन उससे ज्यादा पैसा जो है वो केस लड़ने में लगा देते हैं, मगर उसको नहीं देते। आरजू जी इतनी बेशर्मी से चैनल्स पर, नेशनल चैनल्स पर बैठ करके और अपने इकोसिस्टम जैसे जुबैर वुबैर जो है, चपड़गंजू, चवन्नी अठन्नी, ये लोग औरतों को मलाइन करके, डेरोगेटरी रिमार्क करके अपना इकोसिस्टम चलाता है, पैसे कमाता है और चार मीनार पे जाकर के बिस्कुट और चाय खा करके फोटो खींचता है। ये सब चपड़गंजू और चवन्नी अठन्नी को हम जैसे शिक्षित महिलाएं अपने पैर का जूता भी नहीं समझती है। अब अपने अपने अधिकार को क्या हम असदुद्दीन अवैसी पर दे दें? हम अपने इंसाफ के बारे में क्या अधिकार हम जुबैर को दे दें, ध्रुव राठी को दे दें, या आरफा खानम शेरवानी को दे दें जो दारूखोर है, जो हुक्काबाज है आरफा खानम शेरवानी, हम उसको दे दें? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हम अपने अधिकार के, इंसाफ के लिए हम सर्वोच्च न्यायपालिका जाएंगे, और बेटियां गई हैं और जाकर के उन्होंने 3 तलाक भी बंद किया, और आज कल जो है ऐतिहासिक फैसला आया कि मेंटेनेंस भी फाइल हो सकता है। अब इसमें देखिए सेक्शंस को समझना पड़ेगा अर्जुन जी, जो इतना चिल्ला रहे हैं, कोई भी मुसलमान लड़की कल के फैसले के बाद इस फैसले का बेजा मिसयूज नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें देखनी चाहिए, और मैं अपनी मुसलमान बेटियों को भी समझा रही हूँ कि इसको मिसयूज मत करना। देखिए, एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर चैप्टर 5, 4 और 3, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी कोर्ट में जब धारा 125 सीआरपीसी पुराना, पीएनएसएस नया कानून 144 धारा, जब आप फाइल कर रही हैं किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, पुलिस कोर्ट में या जज कोर्ट में, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए। अब तलाक हुआ है एक बच्ची का, वो शिक्षित नहीं है, वो कमा नहीं सकती है, तो उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो कमा सकती है फिर भी उसको अपने शौहर से मेंटेनेंस चाहिए, तो उसकी आमदनी कितनी है और उसका खर्च कितना है। अब अगर बच्चे हैं उसके पास,
तो बच्चे के मेडिकल रिपोर्ट, बच्चे के स्कूल के रिपोर्ट और अपना खुद का खर्च का एक्सपेंसेस का प्रूफ एनेक्स करके पिटीशन में फाइल करना पड़ेगा, तब जाकर के कोर्ट एक निर्णय पर पहुंचेगा कि हाँ इसको इतना देना पड़ेगा। अगर मुसलमान बेटियां कमा भी रही हैं तो भी उनको यह साबित करना पड़ेगा कि मेरी कमाई इतनी है और मेरा खर्च इतना है, इसलिए मुझे इतना मदद अपने एक्स हस्बैंड से चाहिए, तो वो देना पड़ेगा। तो मिसयूज कहीं पर नहीं, बिल्कुल। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और नाज़िला खान जी का यह दमदार और बेबाक डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों ने ना सिर्फ चर्चा की सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को अब इंसाफ मिलेगा, बल्कि बात की प्रधानमंत्री मोदी की और कैसे शांति दूतों ने बीजेपी को धोखा दिया, और दूसरी ओर आपने देखा नाज़िया खान जी ने एक्सपोज किया और पोल खोली जुबेर जैसे फैक्ट चेकर्स की और ओबीसी जैसे मजहब के ठेकेदारों की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।